हेलो दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो और एक नए लैपटॉप के साथ। आज मैं लेके आया हूं आपका डेल इंस्पिरॉन 3530। जी हां, डेल ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है अपना i3 13 जनरेशन विद 1 TB SSD। जी हां, अभी तक इस कैटेगरी में अगर मैं ये कहूं 512 GB SSD आती थी, लेकिन डेल ने लॉन्च कर दिया है i3 13 जनरेशन विद 1 TB SSD। जी हाँ, मैं ये लेके आया हूं i3 13 जनरेशन। देखिए, अब डेल के ऊपर आज की डेट में ना बॉक्स पे कुछ नहीं बना हुआ आ रहा। जब इसे खोलते हैं तो इसके अंदर फिर हमें डेल का लोगो दिखाई देता है, अदरवाइज आप देखेंगे तो सिर्फ आपको यहां पे इसकी स्पेसिफिकेशन आपको लिखी हुई दिखाई देगी। मैं आपको बता देता हूं, ये है डेल इंस्पिरॉन 3530 i3 13 जनरेशन, 1305 प्रोसेसर है, 8 GB RAM और 1 TB की SSD। जो मैं थोड़ा एक्साइटेड हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ 1 TB SSD की वजह से हूं कि अभी तक हमने पीछे भी गेमिंग लैपटॉप भी लॉन्च किए 1 लाख रुपए के, 1.25 लाख रुपए के, उनमें भी 512 GB SSD आ रही थी, लेकिन डेल ने बड़ा एक इनिशिएट लेते हुए i3 के अंदर 1 TB SSD आपको दे दी है, जिसमें आपको स्पेस की कोई भी कमी होगी ही नहीं। चलिए दोस्तों, इस लैपटॉप को अनबॉक्स करते हैं, स्पेसिफिकेशन देखेंगे और कहीं मत जाइएगा, इस लैपटॉप को भी आपका बैक पैनल ओपन करके हम आपको दिखाएंगे। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम ऐसी नई नई लैपटॉप की वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। हम हमेशा यही कोशिश करते हैं जब भी लैपटॉप लॉन्च हो हम आपके पास सबसे पहले वीडियो ये लेके आए, और हर बार आपको बैक पैनल भी ओपन करके दिखाते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि इस लैपटॉप में अपग्रेडेशन की क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं लैपटॉप को अनबॉक्स और देखते हैं नए लैपटॉप में डेल ने क्या क्या आपको दिया। तो दोस्तों, लैपटॉप हमने अनबॉक्स कर दिया है। जैसे हर लैपटॉप में होता है, एक प्रीमियम पावर कोड आपको मिलती है, 65 वॉट का पावर एडेप्टर है, एडेप्टर जरूर थोड़ा सा इस छोटा कर दिया है। जी हाँ, ये है लैपटॉप। देखिए, अगर जैसे बैक पैनल मैंने देखा ना, तो अभी जो HP ने भी अपनी नई सीरीज लॉन्च की थी Ryzen 3 7000 या i3 13000, तो उन्होंने भी बैक पैनल जो था वो थोड़ा सा इसी लुक में कर दिया था। डेल की भी यही लुक आ रही है अभी बैक पैनल की। अगर मैं आपकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं या लुक की बात करूं, तो देखिए लुक ऑलमोस्ट सेम ही है जो अभी तक डेल लॉन्च कर रहा था। बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को इसमें नहीं मिलते, आप देखकर इसकी स्लीकनेस देखेंगे। देखिए, इसके बाद बहुत बचता भी नहीं है, फिर वो प्रीमियम लैपटॉप्स आ जाते हैं। अगर आप दूसरी साइड देखेंगे यार, तो स्लीकनेस में और मैं बिल्ड क्वालिटी में कहूं, अभी डेल अपनी वही क्वालिटी मेंटेन करता आ रहा है जो पहले कर रहा था। एक हाथ से ओपन करने की कोशिश करते हैं, एक हाथ से लैपटॉप ओपन आपका ये नहीं होगा। तो लैपटॉप हमने ओपन कर लिया है, हमें बूट अप करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इतने में आप लैपटॉप के पोर्ट्स देखिए, और फिर जब बूट अप हो जाएगा फिर मैं आपको इसके लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। लैपटॉप के लेफ्ट साइड के अंदर पोर्ट्स देखेंगे हम, तो जो सबसे पहला पोर्ट आपको दिखाई देता है वो है 3.5 mm का ऑडियो जैक, साथ में आपको दिखाई देगा USB 2.0 और SD कार्ड रीडर आपको पोर्ट इस साइड में मिलते हैं। लैपटॉप के राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको 4 पोर्ट दिखाई दे रहे हैं। जो पहला पोर्ट है आपका चार्जिंग का, लैपटॉप को चार्ज करने के लिए। दूसरा है HDMI। जी हाँ, HDMI है, आप LED टीवी कनेक्ट कर सकते हैं या प्रोजेक्टर पे आपको डिस्प्ले लेना हो आप इससे ले सकते हैं। तीसरा आपको दिखाई देगा सुपर स्पीड 3.2 USB 5 GBPS सिग्नलिंग रेट के साथ, और एक पोर्ट है आपका Type-C, वो भी 5 GBPS सिग्नलिंग रेट के साथ आपको मिलता है इस लैपटॉप में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या है जो डेल ने अपने लैपटॉप में दी है। सबसे पहले देखेंगे तो प्रोसेसर आपका 13 जेन का प्रोसेसर है, कोर i3 1305U प्रोसेसर है। अगर मैं ये कहूंगा कि ये एक बेसिक प्रोसेसर आता है i3 के 13 जनरेशन में, जिसकी बेस स्पीड 1.6 GHz है, टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये टर्बो बूस्ट होकर 4.5 GHz तक आप का ये जाता है। कोर की बात करूंगा तो 5 कोर का प्रोसेसर है ये, जिसमें से मैं आपको क्लियर कर दूं, 1 परफॉर्मेंस कोर है, बाकी 4 इसमें एफिशिएंट कोर आपको मिलते हैं। अगर एफिशिएंट कोर की बात करूंगा तो उसकी मैक्सिमम टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी सिर्फ 3.3 GHz तक है, सिर्फ 1 परफॉर्मेंस कोर है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी 4.5 GHz तक जाएगी। और अगर लॉजिकल प्रोसेसर की बात करेंगे तो वो 6 है, और L3 कैशे की बात करते हैं तो वो 10 MB की आपको इसमें मिलती है मेमोरी। 8 GB की इसमें रैम है, DDR4 है, लेकिन स्पीड उसकी है 2667 MHz। देखिए, यहां मैं ये कहूंगा इस लैपटॉप में थोड़ा सा ड्रॉबैक आ गया, क्योंकि 3200 MHz की मिनिमम 266 रैम से तो 3200 मिनिमम होनी चाहिए थी,
दो स्लॉट्स हैं जिसमें एक यूज्ड है, लैपटॉप ओपन करके देखेंगे कि लैपटॉप रैम अपग्रेड हो सकती है या नहीं हो सकती। हार्ड डिस्क की बात करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हाइनेक्स की NVMe रैम SSD लगी हुई है इसमें, 1 TB की SSD, 1024 GB आपको कैपेसिटी मिलती है 954 GB की। देखिए इसके अंदर जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो ये SSD ही है इस लैपटॉप के अंदर। अगर हम ग्राफिक्स की बात करेंगे तो इंटेल UHD इसमें आपको ग्राफिक्स मिलता है जो शेयर्ड है। इंटेल के अंदर कभी भी अपनी डेडिकेटेड मेमोरी कभी भी नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे AMD के अंदर प्रोसेसर में 512 MB का ग्राफिक्स आता है, इंटेल में नहीं आता है, इसलिए टोटली ये शेयर्ड GPU ग्राफिक्स में ही डिपेंड होता है। 3.8 GB इसमें शेयर्ड GPU मेमोरी है। जो अभी हम कॉन्फ़िगरेशन सुन रहे थे वो वॉइस हमने इसी लैपटॉप के माइक से रिकॉर्ड की थी, जिससे आपको पता चल जाए इस लैपटॉप के माइक की क्वालिटी कैसी है। स्क्रीन की बात करेंगे तो इसके अंदर डेल आपको 15.6 इंच की फुल HD स्क्रीन देता है। फुल HD डिस्प्ले आपको मिलता है, 1920x1080 इसका रेजोल्यूशन है। 120Hz की स्क्रीन, नॉर्मली 60Hz की स्क्रीन होती है, डेल इसमें 120Hz की स्क्रीन दे रहा है आपको। WVA पैनल है, नॉन टच है और एंटी ग्लेयर स्क्रीन आपको मिलती है। 250 निट्स नैरो बॉर्डर के साथ और LED बैकलिट में आपको यह स्क्रीन मिलती है। Dell इसमें आपको HD कैमरा देता है, वाइड स्क्रीन HD कैमरा 720p के साथ विद सिंगल डिजिटल माइक्रोफोन। तो चलिए दोस्तों समय हो गया लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करने का। लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें Dell ने कहां पे कौन कौन से आपको पार्ट्स दिए हैं। तो दोस्तों लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है, तो चलिए आइए दिखाते हैं आपको लैपटॉप में क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमारा प्रोसेसर लगा हुआ है जो हीट सिंक के थ्रू कनेक्टेड है फैन के साथ। यहाँ हमारी रैम लगी हुई है, एक 8 GB की रैम है, एक स्लॉट खाली है, आप चाहें तो इसमें रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं, एक 8 GB की रैम वो लगा सकते हैं, 16 GB की रैम आपकी हो जाएगी। यहाँ आपका वाईफाई 6 लगा हुआ है, ब्लूटूथ 5.1 और ये हमारा SSD है जो यहाँ पे SSD लगी हुई है। पहले बड़ी SSD आती थी, अब छोटी SSD आती है जो इसमें आपको लगी हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वैसे डेल ने इसमें ऑलरेडी 1 TB की SSD दे रखी है, लेकिन फिर भी इसमें स्पेस और दे रखा है, आप चाहें तो यहाँ पे SATA हार्ड डिस्क ड्राइव लगा सकते हैं या SATA SSD एक और आप एड कर सकते हैं। जी हाँ, लैपटॉप में डेल ने इसमें स्टोरेज की तो भरमार दे रखी है कि आपकी स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, आप इजीली इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे स्पीकर आपको दिखाई दे रहे हैं और ये आपको जो दिखाई दे रही है वो बैटरी है, 3 सेल की बैटरी है 41 वर्क आवर्स के साथ। तो दोस्तों आज हमने अनबॉक्स किया डेल इंस्ट्रॉन 3530, ये i3 13th generation में 8 GB और 1 TB SSD के साथ है। देखिये इस प्राइस बैंड के अंदर मैं बात करूं तो ये पहला लैपटॉप है i3 में जो डेल ने लॉन्च किया है, लेकिन इसके अंदर मेरे को एक दो चीजें जो दिखाई दी वो था प्रोसेसर जो 1305 यूज है, जिसका एक ही परफॉर्मेंस स्कोर था। दूसरा इसकी मेमोरी जो 2667 MHz की थी। अदरवाइज ये लैपटॉप मैं ये कहूंगा कि ये बेस्ट लैपटॉप है आप अगर लेना चाहें 1 TB SSD के साथ, क्योंकि इसमें स्टोरेज की आपकी कोई कमी नहीं होगी, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। अगर आपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे, इंटरनेट पे, ब्राउजिंग पे ये काम करना है, आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है या आपने जूम कॉल करनी है, मीटिंग अटेंड करनी है, ये लैपटॉप के लिए परफेक्ट है। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि इसके अंदर ग्राफिक्स नहीं है तो आप इसमें गेमिंग नहीं कर पाएंगे और एडिटिंग जो हार्डकोर अभी 4K एडिटिंग होगी वो भी आप इस लैपटॉप पे नहीं कर सकते। देखिए ये लैपटॉप जो है वो 40 से 50 प्राइस बैंड का है, तो आप इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि गेमिंग, एडिटिंग या आप इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हाई एंड की प्रोग्रामिंग करेंगे तो वो आप इसमें नहीं कर पाएंगे। अगर मैं इसकी प्राइस बैंड की बात करूं, प्राइसेस की बात करूं, तो डेल ने ये लैपटॉप जो लॉन्च किया वो 50,000 की रेंज में लॉन्च किया है। जी हाँ, 1 TB SSD के साथ अभी इस रेंज में कोई भी लैपटॉप आपको मार्केट में नहीं मिलेगा और डेल इसके साथ 1 साल की ऑन साइट वारंटी आपको देता है। आप अपग्रेड करा सकते हैं, जब भी आप डेल एक्सक्लूसिव स्टोर पे जाएंगे तो टाइम टू टाइम ऑफर्स आपको मिलती रहती है। डेल कभी 99 रुपीज में, कभी 500 रुपीज में, कभी 1500 रुपीज में वारंटी एक्सटेंड करता रहता है। और हाँ, अगर आपको एक्सीडेंट डैमेज प्रोटेक्शन भी चाहिए तो भी आप डेल एक्सक्लूसिव स्टोर के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से जरूर पूछिएगा कि अभी क्या ऑफर चल रहा है और हमें 3 साल की एक्सीडेंट डैमेज प्रोटेक्शन कितने में मिल जाएगी। और मैं हमेशा यही कहता हूँ, आज भी यही कहूंगा, जब भी आपने वारंटी एक्सटेंड करानी हो या आपने एक्सटेंडेड डैमेज प्रोटेक्शन लेना हो तो वो उसी कंपनी से लीजिएगा जिस कंपनी का आप लैपटॉप ले रहे हैं। जैसे ये डेल का लैपटॉप अगर आप ले रहे हैं
तो डेल की ही वारंटी लीजिएगा, कभी भी थर्ड पार्टी की वारंटी नहीं लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अभी भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने वीडियोस में लैपटॉप की सारी स्पेसिफिकेशन को कवर करने की कोशिश करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा लैपटॉप मास्टर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, आगे भी हम ऐसे नई नई वीडियोस, नए नए लैपटॉप की वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में नए लैपटॉप के साथ। जय हिंद।